कोशिश नहीं है, इस बार हम डटे रहेंगे और जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे, आज घंटे दो घंटे का प्रोटेस्ट नहीं होगा, हम यहाँ पर बाकायदा धरना देंगे। और लेकिन जो एक्स्ट्रा चार्जेस है हमारे, स्पोर्ट, लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट, होस्टल, किस चीज़ के पैसे हम क्यों दें? हमने कफन इसीलिए पहना है, इस वक्त तक हुक्मरानों समेत इस एजुकेशन माफिया ने हमारे वालदेन के ऊपर से चमड़ी तक उतार दी है। इस लॉकडाउन के बावजूद वो हमसे फीस की डिमांड कर रहे हैं। इस दौर में जब कफन पहनने के लिए भी पैसे यहाँ पर लोगों के पास मौजूद नहीं है, ये भारी भरकम फीसों में इजाफे करके ये हमसे फीसें मांग रहे हैं। हमने आज एहतजाजन तौर पर यह कफन पहनकर, हम इस्लामाबाद की दारुल हुकूमत में इस HEC के दफ्तर के सामने कफन पहनकर इसीलिए आए हैं ताकि हम हुकाम बाला को इसका जवाब दे सके कि हमारे पास कफन के अलावा कुछ भी नहीं है। वालेकुम सलाम। आज दोबारा दूसरी दफ़ा आपका HEC के बारे कटे होने का क्या मकसद है? क्या आपके मुतालबात पूरे नहीं हो रहे? देखिए, हमने 12 तारीख की डेडलाइन दी थी, पहले प्रोटेस्ट किया आपके सामने, गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे ने हमारी बात नहीं मानी और कोई भी फ्रंट फुट पर नहीं आया। उसके बावजूद जो है HEC के चेयरमैन साहब कहते हैं कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो सरापा एहतजाज स्टूडेंट हैं, वो मुफ्त में फ्री फंडिंग में पास होना चाहते हैं। आज तक हमें बताया कि बचपन से आज तक हमने जो 12वीं तक क्लियर की है एग्जामिनेशन, क्योंकि BS तक इट्स कंपोनेंट के आप 12th तक क्लियर करें, तो क्या हम लोग जो है वो फ्री फंडिंग में पास होते हैं, प्रमोट ऐसे ही होते हैं COVID-19 के सिचुएशन को फेस करते हुए? इसीलिए आज हम इकट्ठे हुए हैं कि आज इट्स फाइनल एंड लास्ट के इनको हमारे मुतालबात मानने पड़ेंगे, अदरवाइज हम सब ऑनलाइन क्लासेस को बॉयकॉट करेंगे और इनको किसी किस्म की फ़ी नहीं पे करेंगे। ठीक है, क्या HEC की तरफ से या आपकी यूनिवर्सिटीज की तरफ से आपको प्रेशराइज नहीं किया जा रहा? बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। आप देखें, जो सेमेस्टर जुलाई में एंड होता था जब हमने प्रोटेस्ट किया, वो सेमेस्टर जून में एंड हो रहा है। हमारे प्रोटेस्ट करने के अगले दिन डेट शीट्स आउट हो गई और फ़ी वाउचर्स आउट हो गए। जब हमने ट्यूशन फ़ी का जो है वो मुतालबा रखा कि हम सिर्फ ट्यूशन फ़ी पे करेंगे, तो सारे एक्स्ट्रा चार्जेस घुमा फिरा के ट्यूशन फ़ी में डाल दिए। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी यूथ? आप इस तरह किस तरह यूथ को आगे बढ़ाएंगे और किस तरह अपने बच्चों को, और क्योंकि हम भी उनकी जगह है, ऐसे कैसे आप जो है वो नया पाकिस्तान की बात करते हैं, तो ऐसे कैसे मुझे नया पाकिस्तान बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा? अगर आज भी आपके मुतालबात ना मानेंगे तो आगे क्या लाइन मिलेगा? देखें, हम एट द स्पॉट आप लोगों को सब कुछ गाइड करेंगे, क्योंकि कुछ वर्किंग ऑन ग्राउंड भी की जाती है, लेकिन इट्स फाइनल और हमारी पूरी कोशिश है, कोशिश नहीं है, इस बार हम डटे रहेंगे और जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे, आज घंटे दो घंटे का प्रोटेस्ट नहीं होगा, हम यहाँ पर बाकायदा धरना देंगे और हम यहाँ से नहीं उठेंगे। पर HEC के चेयरमैन की तरफ से ये बयान है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है वो अपना सेमेस्टर फ्रीज करवा ले। जी बिल्कुल, वो तो चाहते हैं कि हम जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में ऐसे ही बैठे रहे, 5 साल की डिग्री 10 साल में पूरी करें और 10 साल वाले 15 साल में पूरी करें, ना हमें कोई जॉब्स ले, ना जो है हम इंटर्नशिप्स करें, बस यूनिवर्सिटी के चक्कर काटते रहते हैं और किसी किस्म की एजुकेशन नहीं लेते, फिर यही हो सकता है। क्या आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो फीस की है? मेन प्रॉब्लम जो है ना, वो सबसे पहले इस वक्त ऑनलाइन एग्जामिनेशन को सस्पेंड करना है, क्योंकि ऐसे एग्जामिनेशन नहीं हो सकती जब तक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड ना की जाए। जब कुछ आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप कौन से पेपर्स दे रहे हैं, कौन सा आप लोग यूथ बना रहे हैं, कौन सा मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं? और सेकंड ये है कि जो लोग डोनेशन दे के फ़ी पे करें, क्यों? जिनके पास 2 वक्त रोटी खाने को नहीं है, वो डोनेशन दे के आखिर क्यों फ़ी पे करें? तो ऐसा कुछ नहीं होगा और हमारे ये 2 बहुत टारगेटेड मुतालबे और इन्हें हम हर हाल में पूरा करवाएंगे। वालेकुम सलाम। आज दोबारा HEC के बारे इकट्ठे होने का क्या आपका मकसद है, क्यों आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन होने के बावजूद, इतनी सारी सख्तियां बर्दाश्त करने के बावजूद, यहां पर आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान में, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, हम इस एजुकेशन माफिया के ख़िलाफ़ यहां पर निकले हैं। ये हमेशा से स्टूडेंट्स को लॉलीपॉप देते आए हैं। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त तमाम बहुत सारी मुश्किलात से दो चार है, हर तरह की मुसीबतों ने मुजफ्फराबाद को इस टाइम। आपका ये कफन पहनने का क्या मकसद है? हमने कफन इसीलिए पहना है, इस वक्त तक हुक्मरानों समेत इस एजुकेशन माफिया ने हमारे वालदेन के ऊपर से चमड़ी तक उतार दी है। इस लॉकडाउन के बावजूद वो हमसे फीस की डिमांड कर रहे हैं। इस दौर में जब कफन पहनने के लिए भी पैसे यहाँ पर लोगों के पास मौजूद नहीं है, ये भारी भरकम फीसों में इजाफे करके ये हमसे फीसें मांग रहे हैं। हमने आज एहतजाजन तौर पर यह कफन पहनकर, हम इस्लामाबाद की दारुल हुकूमत में इस HEC के दफ्तर के सामने कफन पहनकर इसीलिए आए हैं ताकि हम हुकाम बाला को इसका जवाब दे सके कि हमारे पास कफन के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पुरजोर मुतालबा है कि हमारी 100% फीसों को माफ़ किया जाए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।
थैंक यू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, आप बताएं आप यहाँ क्यों आए हैं और आपने कफन पहना हुआ है, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि हम आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी मुजफ्फराबाद के तलबे में और पूरे आज़ाद कश्मीर के स्टूडेंट की आवाज़ लेके हम इधर आए और हम ये जो कफन पहन के आए हैं, हम HEC के चेयरमैन जो लस्सी पी के सोया हुआ है इसी वाले कमरे में, जिसको इससे पहले हमने एक एहतजाज किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे स्टूडेंट ने, लेकिन उसके बावजूद हमारे मुतालबात उसके ऊपर कोई गौर नहीं किया गया। हमारी वफाकी हुकूमत उसने जो बजट पेश किया उसके ऊपर स्टूडेंट के लिए कोई रिलीफ नहीं रखा गया। अपने उनने MNS के लिए, अपने MPS के लिए, सबके लिए रिलीफ पैकेज रखा, लेकिन तालीम के लिए, गरीब तलबा को तालीम से दूर करने के लिए ये जो साजिशें की जा रही हैं उस पर हम ये इस करप्ट माफिया चेयरमैन को बताना चाहते हैं कि हम ये कफन पहन के निकल आए कश्मीर से और इंशाल्लाह इस तेरे AC वाले कमरे के दरवाजे तोड़ के अपना हक लेके इस रोड से उसके बगैर नहीं जाएंगे, अपना हक लेने के बगैर। आपके मुतालबात क्या है HEC से, क्या मुतालबात है? हमारे मुतालबात, हमने इससे पहले उनको रिटर्न फॉर्म में लिख के दिए कि हमने जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो हमारी पॉलिसी बनाई है उसमें सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के स्टूडेंट को फैसिलिटीज दी जाएं कि आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट की सहूलियत कितनी, उधर 2G सर्विस नहीं चलती, जहाँ उस सर किस तरह 4G ऑनलाइन क्लासेस किस तरह पॉसिबल है। उसके अलावा हमारे साथ 10% इजाफे के साथ फीस की डिमांड की जा रही है। हमारी यूनिवर्सिटी बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, लैब बंद है, हम घरों में बैठे। हमारे हमने डिमांड की थी कि हमारे ट्यूशन फीस सिर्फ ली जाए, लेकिन HEC ने इस टाइम तक कोई तलबा दोस्त पॉलिसी नहीं बनाई, जिसकी वजह से हम मजबूर होके ये कफन पहन के कश्मीर से इधर HEC के दफ्तर के सामने आज मौजूद हैं और इस चेयरमैन को बताना चाहते हैं कि हम अपना हक लिए बगैर इस रोड से नहीं उठेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप बताएं कि क्यों आए आप यहाँ और अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले तो मैं मीडिया के भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम कश्मीर से ये कफन पहन कर निकले हैं कि अगर हमारे मुतालबात HEC नहीं सुनती, आज हम ये जंजीरें तोड़कर इनके वानों के अंदर दाखिल होंगे। ये AC वाले कमरों के अंदर बैठकर जो पॉलिसियाँ बनाते हैं, तलबा इसको आज़ाद कश्मीर के तमाम तलबा इसको मुस्तरद करते हैं और इनसे मुतालबा करते हैं कि जो इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस वाली जो पॉलिसी बनाई है, सबसे पहले उस आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट की सहूलत मैसर करें, उसके बाद इस पॉलिसी को आन करें। और दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि आज़ाद कश्मीर के लोग ज़्यादातर गरीब आवाम है और उनके तमाम 100% फीस माफ़ की जाए। ठीक, आपकी ये मुतालबा था कि आपकी फ़ीस माफ़ की जाए, आपको प्रमोट किया जाए। अगर आप प्रमोट ना किया जाए, बेशक हम से पेपर लिए जाएँ, ठीक है, उस ऑनलाइन पेपर लिए जाए, ऑनलाइन पेपर उस सूरत में होंगे कि हमारे पास इंटरनेट की सहूलत मैसर होगी। हमारे पास इंटरनेट की सहूलत ही मैसर नहीं है तो हम ऑनलाइन पेपर कैसे देंगे? अगर तो ये हमें इंटरनेट की सहूलत दे सकते हैं तो हम ऑनलाइन ऑनलाइन पेपर्स भी दे सकते हैं और इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। आज दूसरी दफ़ा HEC के बाहर इकट्ठे होने का क्या मकसद है आपका? अभी तक आपके मुतालबात नहीं मानेंगे, आज आप यहाँ भूख हड़ताल कर रहे हैं। आपने कहा, आपका कहना है कि यहाँ हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, इसके बारे में क्या कहती हैं? हमारे मुतालबात पहले नहीं माने गए, उसी के लिए आज हम दोबारा निकले हैं। हमने HEC को डेडलाइन दी थी 12th की, उनकी 9th को मीटिंग भी हुई थी, लेकिन उन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई ऐसी बात नहीं की स्टूडेंट्स के हक में कि हम लोग कह सकें कि हमारा प्रोटेस्ट किसी काम का आया है। और आज हम इसलिए रोडों पर निकले हैं क्योंकि आज हम नहीं, पूरे पाकिस्तान में 25 सिटीज़ हैं ऐसी जो आज प्रोटेस्ट कर रही हैं इसके हवाले से। तो इनको लगता है कि ये माइनॉरिटी का मसला है, ये माइनॉरिटी का नहीं, ये मेजॉरिटी का मसला है। और आज इनको ये पता चल जाएगा कि ये एक इशू नहीं है, ये बहुत से स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा इशूज़ है। और रिमोट एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं, एग्ज़ाम्स हमारे करीब हैं, वो इंटरनेट उनके पास है नहीं, वो 10-10 किलोमीटर चल कर क्लासेस लेते हैं इतनी गर्मी में, और उनके अगर वहीं पर पूरा दिन निकल जाएगा तो वो पढ़ेंगे कब? तो हम उन लोगों के लिए यहाँ पे आवाज़ उठाने आए हैं। और जो लोग तनकीद करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को जो अपने हक की आवाज़ उठाते हैं, तो उनको बोले कि जब आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते और अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप उन लोगों को नीचे गिराएं या उनके हौसले पस्त करें जो अपने लिए आवाज़ उठाते हैं। आपके मेन मुतालबात क्या हैं? हमारे दो मुतालबात हैं मेन। एक, जो हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस ये लोग ले रहे हैं, ट्यूशन फी चले ले, वो हमें क्लासेस हो रही है हमारी तो हम उसका कुछ नहीं कहते, लेकिन जो एक्स्ट्रा चार्जेस हमारे स्पोर्ट, लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल, इस चीज़ के पैसे हम क्यों दें?
अगर आप इसको ये रिलैक्सेशन हमें दे देंगे ना, तो हम अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस भी आपको दे सकते हैं, क्योंकि आपने टीचर्स को भी पे करनी है। लेकिन आप हमारे साथ भी तो कॉम्प्रोमाइज करें ना, सबको स्टूडेंट्स पे डाल देना, बर्डन डाल देना, ये तो नहीं होगा। हम यूथ हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, आप हमारे साथ ये ज्यादती करेंगे तो हम कैसे चुप रहे। अगर आज भी आपके मुतालबात ना मानेंगे तो क्या आपका क्या लायमल होगा? हम फिर भी चुप नहीं बैठेंगे, आवाज उठाएंगे, कभी ना कभी तो देखेंगे ना, एक सिटी तो नहीं ना, काफी सिटीज के लोग आए हैं, तो कोई तो एक्शन होगा ही, हम इस चीज का इंतजार करेंगे। आप इंतजार करेंगे, पर एचईसी के चेयरमैन की तरफ से बयान आ गया था कि अगर किसी को मसला हो अपना सेमेस्टर फ्रीज करवा ले। देखिए, ये तो फिर जबरदस्ती है ना कि आप किसी का टाइम वेस्ट करें, तो क्या फायदा इस चीज का कि अब अच्छे अगर दो साल तक पाकिस्तान में यही सी रहेगा कि कोरोना वायरस खत्म नहीं हो रहा तो हम फ्रीज करवा के बैठे रहेंगे, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको भी रिलैक्सेशन करनी चाहिए स्टूडेंट्स के साथ।